तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर अच्छे व्यक्तित्व हों, स्थान जागृत हो, विद्यार्थी भी कुछ करने को उत्सुक हों, स्टाफ भी सहयोग करता हो, तो निश्चित ही ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई काम करें और उसका नाम ना हो। फिर आगे बढ़ के मैंने आप लोगों की यहाँ पर जो बनाई हुई है कलाकृति ये देखी, हस्त जो कुशन बनाया आपने और भी सब चीज़ें बनाई, इनको देख के लगा कि आपने ये बनाई नहीं है तो किसी कंपनी से बन के आए, इतनी अच्छी फिनिशिंग आपने, कोई भी देखा तो यही कहेगा किसी कंपनी के हैं, बस उसमें सील लगाना है, चाहे हम NDC की सील लगा दें, चाहे DCM की लगा दें, या किसी भी कंपनी की सील लगा दें, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये कंपनी की मेहनत नहीं है। तो मुझे बड़ा लागू होता है कि गलापुर का एक कहन सी छोटा स्थान है जहाँ पर कि ग्रामीण अंचलों से ज़्यादा विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए और उन्होंने अच्छी कलाकृति बनाई, मानता हूँ कि इसमें हमारे जो कंचन जी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट, और इनके योगदान से ये कार्य हुआ है। बात हुई थी अभी इसको हम बना के ब्लॉक ना करें, जो बन रहा है निश्चित है इसको अगर आप मार्केट में लाएँ, चाहे किसी बड़ी शॉप से या किसी शोरूम से कॉन्टैक्ट कर लें, तो निश्चित एक आमदनी विद्यार्थी को मिलती रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जरूरी है कि सभी यहाँ पैसे वाले विद्यार्थी हों या छात्रा हों, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, तो हम लगातार इसको बदलना, जो आय होता है उस आय से इनकी फीस है या उनके और सांसदा है बुक्स वगैरह हैं वो इनको प्रदान कर सकते हैं। अभी बेरोजगारी और रोजगार की वो हो रही थी, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहा गया, तो एक मैं आज बात करता हूँ कि समस्या ही रोजगार की जननी है। आपने सुना होगा कि कचरा म्युनिसिपल की गाड़ी आती थी ले जाती थी घर से, अब कचरा डालने की समस्या है, नगर पालिका कचरा ले जाती है, हमने कभी ये हमारे कोई प्राइवेट लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्यों ना हम जो नगर पालिका काम कर रहे हैं हम भी कचरा अपने गाड़ी लगाएं, कचरा ढोना कहीं जा रहा हो उससे आय का साधन बनाए या उससे कुछ लें। बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट संगठन है वो अपने ट्रक लगाए हुए हैं, वो कचरा को उठाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, वो उस कचरे को ले जाते हैं फैक्ट्री में कुछ और बनाते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, वहाँ से उनको आय प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, अगर हम उसको सोच रहे हमें करना है तो निश्चित हम उसको कर सकते हैं। आज मैं एक बार जरूर सोचा अगर मैं इस कार्यक्रम खो देता आज आज मुझे यहाँ पर बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोग हमेशा ऐसे कार्य करते रहें और संभाग का नाम रोशन करें, यही मेरी आप लोगों की सबसे बड़ी शुभकामना है। और कोई गड़ाकोटा का विद्यार्थी आए रहे ना रहे या अभाव में ना चाहिए, ऐसी मेरी आप सब लोगों को शुभकामना है। जो विद्यार्थी होंगे उनको भी इससे आय प्राप्त होगी। सर आप आए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आप लेट आए लेकिन आए, इसका इंतजार हम लोग कर रहे थे और हमारे विद्यार्थियों भी इससे बड़े प्रसन्न होंगे कि एक उच्च शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी आके उनके कार्य की सराहना करें, ये वास्तव में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे उत्साह की बात है। इसी कड़ी में मैं चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है सम्मानित प्रचार महोदय को बुलाना चाहूँगा कि वहाँ एक आशीर्वाद दें और इसके बाद प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न। विद्यार्थियों को बहुत बहुत इस प्रशिक्षण की सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि यह होगी कि डॉक्टर CD आठ्या जी आपके बीच में हैं, जो अतिरिक्त संचालक हैं संभाग के, सागर संभाग के, वे आपके बीच में हैं और आपको देने आए हैं बहुत बहुत बधाई, आपको आपके कार्य को देखने आए हैं और निश्चित रूप से उनने अभी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी। उनके साथ डॉक्टर गोस्वामी जी पधारे हुए हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में और नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य जो बहुत पहले आ गए, मैंने जैसे आप पे गए हैं जितने भी बार आपने कार्यक्रम कराया है हर बार कुछ ना कुछ नया और उत्कृष्ट कार्य हमने देखा है। यह मैं कह सकता हूँ इस मंच से कि ये एक कार्यक्रम आपने देखा, मैंने कई कार्यक्रम देखे, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छी तरह से उन कार्यक्रमों को सम्पन्न कराया।
मेरे विद्यार्थी और बच्चों, निश्चित रूप से आपने बहुत इंतजार किया है, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आपका कार्यक्रम जो है वह है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही कहूँगा कि आप अपना यह कार्य जारी रखें और जितने विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है वे दीपावली के आसपास जब समय बरसात का समय समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा और अच्छा मौसम रहेगा, और हम एक बहुत शानदार मेले का आयोजन करेंगे और उसमें आप इन सारी चीज़ों को और उस समय तक जो कुछ आप कर पाते हैं और उसमें भोपाल से लेकर यहाँ तक सागर तक के जो अधिकारी कर्मचारी मेरे मित्र और साथी प्राध्यापक और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को भी हम आमंत्रित करेंगे और निश्चित रूप से आपका कार्य देखकर कोई भी खुश हो जाता। आज उन्हें भी अब मैं मुझे